हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है कुक विनिधि में। तो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं यमी सी टेस्टी सी कलरफुल सब्जी, जो कि बहुत ही इजी है, फटाफट बन जाती है और बहुत ही कम सामान हमने इसमें यूज़ किए हैं। तो चलिए फटाफट शुरू कर लेते हैं कलरफुल सब्जी बनाना। कलरफुल सब्जी रेडी कर रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर सब्जियाँ ले ले रहे हैं, वो भी हम कलरफुल, जो भी आपको पसंद हो आप वो ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने कैप्सिकम ले लिया कट करके, कितनी क्वांटिटी लेनी है आप अपनी चॉइस से कम ज़्यादा ले सकते हैं। तो साथ में मैंने कैप्सिकम लिया है, यहाँ पे मैंने कैरेट लिया है, यहाँ पे मैंने जिंजर थोड़ा सा पेस्ट कर लीजिए या रफली चॉप कर लीजिए। साथ में मैंने लिया है स्वीट कॉर्न, लेमन बाद में डलेगा लेकिन ले लिया है। और ये मैंने ली है, ये रेड चिली है, जो मिर्च बनाते हैं मसाले वाली या अचार वाली, वही मिर्च मैं इस सब्जी में यूज़ कर रही हूँ, बहुत ही अच्छा टेस्ट निकल के आएगा। साथ में मैंने यहाँ पर चॉप टमाटो ले लिया, लगभग 4-5 टमाटो हमने चॉप कर लिए हैं। यहाँ पे लगभग 2 बड़े साइज़ के मैंने पटेटो लिए हैं, वो भी मैंने चॉप कर लिए हैं। एक बड़ी प्याज ली है। तो अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले हम मस्टर्ड ऑयल गरम कर लेते हैं और इसमें डालेंगे हम अपने पटेटो और इन्हें हमें फ्राई करना है। तो पहले फ्राई कर लेते हैं, आलू फ्राई हो चुके हैं और इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। आलू निकाल लिए हैं और 1 टीस्पून डालेंगे हम इसमें जीरा, साथ में डाल लेते हैं हम प्याज। इसको हल्का सा भूनेंगे, ज़्यादा नहीं भूनना है, बस थोड़ा कच्चापन निकालना है। हल्का सा प्याज भून गया है, अब डालेंगे हम अदरक, इसको भी भून लेते हैं थोड़ा सा। अब डालेंगे गाजर, मिक्स करेंगे पटेटो, मिक्स कर लिया है। इसके बाद स्वीट कॉर्न डाल देते हैं और थोड़ी सी डालेंगे हम हरी मटर, इसको भी मिक्स करेंगे। कैप्सिकम मिर्ची भी डाल देंगे और इसके साथ जाएगा मसाले थोड़े से, 2 चुटकी जाएगा इसके अंदर हींग, 1 छोटी चम्मच जाएगा यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च। नॉर्मल मिर्च मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि जो अचार वाली मिर्च है वो थोड़ी तीखी होती है कभी कभी, तो इसलिए और इसीलिए मैंने इसमें हरी मिर्ची नहीं डाली है, आप चाहें तो डाल सकते हैं। 1 टीस्पून डालेंगे हम इसमें टर्मरिक पाउडर और मिक्स करेंगे, साथ में डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। 1 टीस्पून नमक ऐड कर रहे हैं या फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग, इसको मिक्स करेंगे और थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक हम इसको कुक करेंगे, लगभग 5 से 6 मिनट लो मीडियम फ्लेम पर। ढक के छोड़ देते हैं। पाँच छः मिनट हो चुके हैं, सब्जी को मिक्स कर ले रहे हैं और अच्छे से सब्जी हमारी सॉफ्ट हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर, टमाटर हम पहले नहीं डालेंगे, इसमें हम बाद में ही डालेंगे। आप चाहें तो डाल सकते हैं पहले भी, लेकिन मुझे ऐसे ही पसंद है तो मैं बाद में डाल रही हूँ। और इसको मिक्स कर लेते हैं एक बार। हल्का सा इसको और कुक करेंगे ढक के, ताकि टमाटर थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। तो ढक के इसको हम कुक कर ले रहे हैं। टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, अब डाल रहे हैं हम यहाँ पे थोड़ी सी क्रश करके कस्तूरी मेथी, बहुत ही अच्छा टेस्ट आने वाला है। थोड़ा सा यहाँ पे हमने 1/4 टीस्पून लिया है दालचीनी पाउडर, यही इस चीज सब्जी में दो चीज़ें बहुत ही अच्छी हैं या बहुत अच्छा फ्लेवर लाएंगी। और साथ में डाल रहे हैं हम यहाँ पर 1 टीस्पून धनिया पाउडर और हाफ डालेंगे हम यहाँ पर लेमन जूस, आप चाहें तो इसमें अमचूर पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। और ये हमारी बहुत ही टेस्टी सब्जी बनने वाली है। इसको मिक्स करेंगे और थोड़ा सा डालेंगे गरम मसाला, तो 1 टीस्पून गरम मसाला डाल दिया है। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे, गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और ये हमारी सब्जी सर्व करने के लिए रेडी है। तो ये सब्जी बनकर रेडी हो गई है, जिसे धनिया पत्ती से मैंने कर दिया है गार्निश, और आप इसके अंदर भी डाल सकते हैं। थोड़ा जब भाप निकल जाए तब डालिए, वरना धनिया हमारा थोड़ा काला सा हो जाता है, लेकिन अभी मैंने डाल दिया है और बहुत ही टेस्टी हमारी ये सब्जी बनकर रेडी हो गई। आप इसको पूरी, पराठे या चपाती किसी के साथ भी खा सकते हैं, तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें। वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें।